फ्रेंड्स, मैं अप्रोच चैनल का नाम है, आपको मालूम होगा अप्रोच मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूँ वो कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाया और उसका जो तरीका है, मैं इसका पहले भी इसी तरह वीडियो में कटोरी ब्लाउज और डबल कटोरी दोनों वीडियो मेरा चैनल में है, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको और भी इन्हेंस करने के लिए और भी आपको अच्छा से समझने के लिए मैं इस वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा से मैं आपको समझाया और भी बहुत अच्छा तरीके से मैं दिखाया और उसका जो मेजरमेंट है वो भी कैसे किधर कितना करना है वो भी मैं आपको अच्छा से दिखाया और उसका जो तरीका है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो देखने के बाद किसी का वीडियो या किसी को पूछने का भी ज़रूरत नहीं होगा, कोई भी मेजरमेंट होगा उसमें सभी मेजरमेंट का तरीका भी मैं आपको बताया। लेकिन सभी टाइम तरीका ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आप कटिंग करते हैं तो आप एक प्रॉपर मेजरमेंट से कटिंग कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। लेकिन उसका तरीका मैं आपको बता दिया, आप ज़रूर उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। और मैं सभी के पास क्षमा चाहूँगा कि इतना दिन से मैं वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं एक बुटीक में काम करता हूँ, मेरा घर अलग स्टेट में है, मैं काम करता हूँ अलग स्टेट में है, इसीलिए मैं थोड़ा सा छुट्टी में था, इसीलिए हमको टाइम नहीं मिला आपको वीडियो देने के लिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन इसके बाद से आपको डेली संडे 10 o'clock वीडियो मिलते रहेगा। ये मैं वीडियो के लिए जाते हैं और आप चैनल को साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रहिएगा। आपको भी इसी तरह कटिंग सीखना है, अगर आपको भी काम सीखने का इच्छा होगा तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी ऑल करके आपको इसके चैनल के साथ जुड़े रहने का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आइए मैं वीडियो के लिए जाते हैं, आप तब तक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगा वो कटोरी कट ब्लाउज़ दिखाऊंगा, लेकिन उसका साइज जो होगा उसका 40 चेस्ट फुल रेडी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं उसका पहले सबसे पहले मैं आपको उसका एक मेजरमेंट समझाऊंगा, उसके बाद उसका जो कटिंग का तरीका है और कटोरी जो निकलते हैं उसका भी जो फॉर्मूला है मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन सभी टाइम फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता है। आप सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ब्लाउज़ कटिंग करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छा से मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मेजरमेंट होगा तभी परफेक्ट आप ब्लाउज स्टिचिंग कर सकते हैं। लेकिन मेथड से आप जस्ट एक ब्लाउज स्टिचिंग कर सकते हैं, उसको सभी टाइम फिटिंग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आइए मैं आपको मेजरमेंट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगा। देखिए, इसका जो लेंथ होगा 15 है, उसका अपर चेस्ट जो है 37.5 है, इधर 2 inch एक लूज डालेंगे और उसका चेस्ट जो है 40 है, वो परफेक्ट रेडी है। वेस्ट जो है 33, वो भी रेडी है। उसका जो स्लीव है शॉर्ट स्लीव है, मेगा स्लीव जिसको बोलते हैं उसी तरह स्लीव है, तो उसका स्लीव का लेंथ है 4 inch और उसका जो मोरी है वो है 14 inch। उसका जो आर्म राउंड है 17.5 है और फ्रंट नेक का जो डीप है वो 7.5 है और बैक नेक जो है 9 inch है और उसका जो शोल्डर है 15.5 है और उसका जो एपेक्स पॉइंट है वो 10 inch है और एपेक्स पॉइंट टू पॉइंट जो है चौड़ाई वो 7.5 inch है और ब्रेस्ट लेंथ जो है वो 13.5 है। आइए मैं आपको अच्छा से कटिंग करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इसी तरह ब्लाउज़ का फ्रंट में ओपन होता है तो बैक में ओपन के लिए कुछ मार्जिन हम नहीं रखेंगे और सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी रखकर दिखाऊंगा, किधर भी मार्जिन भी नहीं रखकर भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं इसका बैक जो डाउन जो होगा फ्रंट का उधर हम 1/2 inch, क्योंकि कपड़ा में स्टिचिंग करते हैं तो 1/2 inch मार्जिन हम रखते हैं, तो 1/2 inch मार्जिन रखेंगे। उसके बाद इसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट करेंगे। तो देख सकते हैं इसका जो लेंथ है लेंथ मेजरमेंट करेंगे, इसका लेंथ जो है 15 inch है तो हम मेजरमेंट टेप को इसी तरह सीधा रखने के बाद 15 में एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको इसके बाद हमको स्केल का ज़रूरत होगा, स्केल से हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो शोल्डर है शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इसका शोल्डर जो है 15.5 है। देख सकते हैं 15.5 जो होगा 15.5 का जब हम हाफ करेंगे तो 7.25 में आएगा, तो 7.25 इधर है लेकिन उसका ओपन नेक है, बैक जो है 9 inch है, फ्रंट नेक जो है 7.5 है, तो नेक जब डीप होता है शोल्डर ऑब्वियसली कम होता है, आपको मालूम होगा। आप इसका पहले हमारा चैनल में कटोरी कट ब्लाउज़ 38 साइज़ का है और डबल कटोरी भी एक में हमारा चैनल में है, आप जाके उधर से देख सकते हैं। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और जो अलग डिज़ाइन ब्लाउज़ होता है उसको भी हमारा चैनल में है, आप जाके मेरा चैनल में ज़रूर चेक कर सकते हैं। आपको इसी तरह सीखने का इच्छा
क्या होगा। तो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि हम जब इसी तरह वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास आने के लिए, और आपको भी इस वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइए मैं आपको फिर दिखाएंगे इसका जो शोल्डर है 15.5 है तो 7.25 में आएगा। इधर से सीधा सीधा हमको 2 इंच हम शोल्डर कम करेंगे तो उसके बाद देखेंगे हमारा शोल्डर कितना आया। देख सकते हैं 6 इंच है, 6 को डबल करेंगे तो 12 इंच। तो सेम तरीके से थोड़ा सा एक सूत ज़्यादा तो 6 इंच एक सूत में हम एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका जो गलाई देने के लिए जो डाउन करेंगे वो लगभग 6.5 करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो अपर चेस्ट है 37.5 है तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा डाला तो 39.5 आएगा। तो 39.5 को जब हम डिवाइडेड करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 इंच से एक सूत कम होगा। तो हम 10 इंच कम से एक सूत उधर मार्क कर लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो वेस्ट है 33 है तो 33 का जब हम हाफ़ करेंगे, ये हाफ नहीं डिवाइडेड 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं 8.2 सूत आएगा। तो 8.2 सूत में एक मार्क कर लेंगे और इसको साइज़ थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसका बैक में एक टक डालेंगे तो टक के लिए हम 1 इंच एक मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं उसके बाद इसका जो है हम ऐसे सीधा कर लेंगे फिलहाल। उसके बाद आप देख सकते हैं बैक में जब टक होगा उसका सेंटर में होता है, आप देख सकते हैं इसका जो है इसका हाफ करेंगे तो जिधर आया ये हमारा बैक का सेंटर का टक होगा, सेंटर होगा। तो उसी तरह से कितना आया सेम तरीके से हमको ऊपर में थोड़ा सा मार्क कर लेना है और उसके बाद इसको हमको ऐसे स्केल से सीधा कर लेना है। फिर इसका जो टक का जो हाइट होगा मैक्सिमम आप 4 इंच से 4 इंच फोर एंड हाफ तक कर सकते हैं, लेकिन 4 इंच हम करेंगे तो 4 इंच में एक मार्क लगाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसका स्केल से इसी तरह एक मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टक, लेकिन ये टक डालने के बाद इधर सीधा नहीं किया तो ये नीचे आएगा। तो हम 1/2 इंच लगभग एक मार्क कर लेंगे और इस टक के एंड से इधर हमको एक मार्क कर लेना है। तो ये टक डालने के बाद नीचे का जो एक शेप होता है वो स्टेट्स जैसा आएगा। तो ये हमारा मार्क हो गया। इसके बाद इसका जो आर्म राउंड है आर्म राउंड के लिए मार्क करेंगे 17.5 है, 17.5 को जब हम हाफ करेंगे तो 8.25 में आएगा। देख सकते हैं हम ऐसे थोड़े से देख लेंगे 8.25, ठीक है। तो उसके बाद स्केल को ज़रूरत होगा, आप स्केल को नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको इसी तरह रखेंगे और थोड़ा सा ऐसे एक शेप दे देंगे और इसको शेप अच्छा से देने के लिए हम 2 बार पकड़ के ऐसे शेप डाल लेंगे। ये थोड़ा सा स्केल से करते हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं आया, देख सकते हैं। इसके बाद इसका मेजरमेंट करेंगे 8.25 में आना है तो देख सकते हैं लगभग 8.25 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो हम इस ऐसे एक शेप डाल लेंगे। तो ये हमारा आर्म राउंड भी रेडी हो चुका है। इसके बाद हम जो इसका जो नेक का जो ब्रॉड होगा उसका मेजरमेंट करेंगे। देख सकते हैं उसको थोड़ा सा वाइड में चाहिए तो 7 इंच करेंगे टोटल, उसका हाफ आएगा तो 3.5 इंच, 3.5 में एक मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा मार्क रेडी हो चुका है। लेकिन साइड में हम जब मार्क करेंगे, साइड में मार्क करने के लिए हमको थोड़ा सा 1 से 1.5 से 2 इंच तक आप कर सकते हैं। तो हम एक मार्क कर लेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं यह हमारा बैक का मार्किंग रेडी हो चुका है। तो अब हमको इसका कट लगाना है। देख सकते हैं 1/2 इंच हम मार्जिन रखते हैं कपड़ा में भी, तो 1/2 इंच इसमें भी रख कर मैं दिखाऊंगा। देख सकते हैं 1/2 इंच आर्म राउंड को भी इधर रख लूँगा। साइड में जैसे हमने मार्क किया उसी मार्क से हम कट कर लेंगे और नीचे में भी हम ऊपर इंच 1/2 इंच ऊपर किया तो 1/2 इंच ऊपर में हम ऐसे एक कट लगाना है। देख सकते हैं ये जो हमारा बैक है ये पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कर करके दिखाएंगे और उसका जो तरीका हम आपको बताएंगे वो तरीका आपको बहुत अच्छा से आप समझ जाएंगे। देख सकते हैं इसका बैक पार्ट हमारा कटिंग रेडी हो चुका है। इसका फ्रंट पार्ट में आपको कट करके दिखाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रंट में 1/2 इंच मेजरमेंट हो मार्जिन होगा तो 1/2 इंच का एक मार्जिन रख लेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे रख लेंगे। आप देख सकते हैं इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इसका कटोरी कट का बारे में जो फार्मूला है मैं आपको बताऊंगा, आप उस फार्मूला से आप ज़रूर कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका एक मार्किंग कर लेंगे क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होगा।
तो इसे हमने मार्क कर लिया और साइड में भी हम मार्क कर लेंगे। लेकिन साइड में मार्क करते समय हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हम कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं और उसका जो टक है, टक के लिए हम मार्जिन छोड़ा है, देख सकते हैं। ये हमारा जो कटिंग है वो मैं कट करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं। इसको ओनली छाप लेना है साइड में, और उसके बाद बैक जब हम कट किया, बैक करेक्ट बैक का मेजरमेंट से हमको फ्रंट को भी कटिंग कर लेना है। और उसके बाद इसका जो कटोरी का जो शेप डालते हैं और कटोरी जो कटिंग करते हैं वो कटिंग कट करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं। इधर भी हम कट लगाएंगे और नीचे में भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कटिंग रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं आपको फ्रंट पार्ट कट करके दिखाऊंगा, और उसका जो कटोरी का जो निकलते हैं, कैसे कटोरी निकलते हैं वो मैं आपको दिखाएंगे। सभी को शिकायत रहते कि अच्छा से नहीं बैठता है, और कटोरी कट ऐसा एक ब्लाउज है, आप अच्छा से नहीं कट किया तो वो कभी भी फिटिंग नहीं होगा, क्योंकि कटोरी का जो कप साइज है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। आइए मैं आपको दिखाऊँगा, देख सकते हैं इसका जो बैक है। इसके बाद हम बैक को हटाएंगे और इसका जो मार्क है मार्क करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं। ये साइड का मार्क है, और इधर से आप देख सकते हैं, आपको कैमरा में देखा होगा, ये हम राउंड का मेजरमेंट है और ये इधर का मेजरमेंट है। उसके सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरीका, वो आप अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं नेक का मेजरमेंट करूंगा। इसका जो फ्रंट नेक का जो डीप है 7.5 है, हमने थोड़ा सा क्रॉस में मेजरमेंट लिया था। क्रॉस में आप इसी तरह स्ट्रेट में मेजरमेंट करते हैं तो स्ट्रेट में कर लीजिएगा, देख सकते हैं। इधर 3.5 है तो इधर भी हमको 3.5 में रखना है, और उसके बाद इसको एक स्क्वायर जैसा बनाना है, देख सकते हैं। और इधर भी हमको एक लाइन खींचना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट नेक का मेजरमेंट। उसके बाद इसका जो राउंड नेक होगा, नेक राउंड नेक होगा, तो हमको राउंड का शेप जैसा दे देना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट नेक रेडी। इसके बाद मैं जो तरीका दिखाऊंगा इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको जो फिटिंग होगा वो बहुत अच्छा से आएगा, देख सकते हैं। नीचे हमने हाफ इंच मेजरमेंट रखा है, तो हाफ इंच ऐसे मार्क कर लेंगे, और इसको जो कटिंग करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। उसका जो तरीका मैं बताऊंगा वो भी आप अच्छा से सुन लीजिएगा, उसको भी आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो आपको भी अच्छा कटिंग आएगा और फिट आएगा। लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि आप एक परफेक्ट मेजरमेंट से ही कट कीजिएगा, देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट इसका जो बेल्ट है, नेक का मार्किंग हो चुका है। इसके बाद हम बेल्ट का निकालेंगे, तो बेल्ट निकालने के लिए देख सकते हैं 2.5 इंच में हम बेल्ट निकालेंगे। तो ऐसे एक मार्क कर लिया, उसके बाद इसका जो है इसको सीधा कर लेंगे। आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, देख सकते हैं। इधर हम हाफ इंच एक मार्क कर लेंगे और इधर भी हाफ इंच मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसको हमको स्केल का ज़रूरत होगा, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा लंबाई करना है, और फ्रंट में जो है उसको थोड़ा सा कम लंबाई करना है, देख सकते हैं इतना, ठीक है। इसी तरह शेप देने का बात क्या होता है, जब बेल्ट जब फिटिंग आता है वो बेस्ट का नीचे वो बहुत अच्छा परफेक्ट तरीके से फिटिंग में आता है। इसीलिए मैं आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बोलते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इसका जो कटोरी होगा, ये जो कटोरी का साइज़ होगा वो कितना होगा, देखिए मैं आपको अच्छा से उसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो फॉर्मूला सभी टाइम सेम नहीं हो सकता है। देखिए ये जो कटोरी है, ये जब कटोरी हम निकालेंगे उसका जो साइज़ होगा, आप देख सकते हैं, इसका जो साइज़ अगर 32 इंच है तो 32 इंच जब चेस्ट होगा उसके लिए आप 5 इंच का इधर का जो कटोरी होगा वो आएगा। अगर 34 है तो आप देख सकते हैं 5.2 सूट आएगा। अगर 36 इंच होगा तो 5. लगभग 6.5 में आएगा। अगर 38 और 40 तक भी है, लगभग 6 इंच आएगा, 40 साइज़ है, तो इसका जो साइज़ है वो 40 है, उसका 6 इंच आएगा। अगर 42 से 44 तक है तो आप 6.5 और 6.75 तक कर सकते हैं। अगर 44 से 48 तक होगा तो आप लगभग 6.75 से 7 इंच कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो 40 इंच है, तो इसका जो कटोरी निकालेंगे वो 6 इंच निकालेंगे। आप देख सकते हैं
6 इंच निकालेंगे। इसका पहले जो मैं कटोरी कट निकाला वो भी एक तरीका है, उसको इधर से हम निकाला, आप देख सकते हैं, उसको देखेगा तो आपको अच्छा से मालूम हो जाएगा। इसीलिए सभी वीडियो आप देखना है, और आप एक प्रोफेशनल मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सभी तरीके से कटिंग मालूम होना है, क्योंकि जिस मेजरमेंट जैसे कटिंग करने से फिटिंग आएगा आपको उसी तरह से कटिंग करना है तो अच्छा से फिटिंग दे सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो होगा 6 इंच है, तो 6 इंच में हम एक मार्क कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं इसका जो समय, इधर से भी एक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इधर से जब हम मेजरमेंट करेंगे उसको भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको अच्छा से बताऊंगा, आप ज़रूर समझ लीजिएगा। देखिए अगर 30 से 32 तक साइज़ है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर 30 से 32 तक है तो आप 1.5 कर लीजिएगा, अगर 34 से 36 तक है तो 1.2 से 2 इंच तक आप कर सकते हैं, अगर 36 से 38 तक होगा तो आप 1.25 इंच कर सकते हैं, अगर 40 से 44 तक होगा तो आप 2.5 इंच तक कर सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 40 साइज़, तो इसका जो हम करेंगे लगभग 2 इंच में एक मार्क करेंगे। लेकिन ये जो 2 इंच मार्क करेंगे ये फ्रंट में जो कट करते हैं उसका पहले, ये बैक का मेजरमेंट से हमको 2 इंच में मार्क करना है। और एक बात है, इसका जो मेजरमेंट करते हैं, कई लोग करते हैं, आप देखा होगा इस मेजरमेंट से 1.5 इंच 1.5 इंच ऊपर करते हैं, 1.25 इंच ऊपर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने से, मैं आपको बताऊंगा कि आप शोल्डर से कीजिएगा। शोल्डर से आप इस, ये जो साइज़ है इसके लिए लगभग 5 इंच में हम एक मेजरमेंट करेंगे। ये अगर साइज़ का हिसाब से, वो नेक का डिप का हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए ये 5 में हमने एक मार्क कर लिया, तो इसके बाद ये जो तीनों मार्क है इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाया है, आप में हो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देख सकते हैं उसके बाद इसको थोड़ा सा तिरछे करना है, ऐसा सीधा नहीं, थोड़ा सा फ्रंट इधर टला के उसको थोड़ा सा खींचना है इतना, ठीक है। उसके बाद आप हाथ से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और एक बात है, आप अगर हाथ से नहीं कर सकते हैं तो स्केल को ज़रूर यूज कीजिएगा। और उसके बाद देख सकते हैं इसको भी मिलाना है, तो आप हाथ से कीजिएगा तो उसका जो यह आएगा सही तरीके से आएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। देख सकते हैं ये हमने मार्क इधर आया, लेकिन ये जो शेप डालते हैं शेप इधर तक आया, लेकिन ये मार्क और शेप सभी को मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जब करते हैं तो उसका मेजरमेंट का हिसाब से जो शेप डालेंगे वही अच्छा शेप आएगा, लेकिन ये सभी मार्किंग जो है वो एक मेथड है, लेकिन आप ज़रूर उसका शेप यूज़ कीजिएगा तो उसका जो परफेक्ट फिटिंग आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखिए ये जो हम मिलाने जाएंगे तो इधर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिटिंग में नहीं, जो कटोरी का साइड है और ये सेंटर कटोरी पार्ट है और ये है, ये हमारा निकल चुका है, तो अब हमको इसको ओनली कट लगाना है। देख सकते हैं ये हमारा नेक कटिंग हो गया, उसके बाद इसका कटोरी का साइड पीस निकालेंगे। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट हो गया, तो ये हमारा साइड पीस हो गया रेडी। इसको जब हम कपड़ा में कटिंग कर लीजिएगा करेंगे तो इधर 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे और इधर भी 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, नीचे भी रखेंगे, क्योंकि साइड में नहीं चाहिए, साइड में हमारा मार्जिन ऑलरेडी है, इधर भी है। तो देख सकते हैं ये हमारा हो गया साइड पीस रेडी, ये बेल्ट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम कटोरी को निकालना है, आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा पूरा तो आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से दिखाऊंगा, आप देखने से ही आपको बहुत अच्छा से मालूम हो जाएगा कैसे करते हैं। देख सकते हैं इसका जो कटोरी कैसे निकलते हैं, मैं आपको अच्छा से दिखाऊंगा, ज़रूरी है, देख सकते हैं। और इसका बाद इसका जो पॉइंट जो है, पॉइंट का भी हमको चाहिए होगा और पॉइंट टू पॉइंट का भी होगा, और उसका जो ब्रेस्ट लेंथ हम लेते हैं वो भी दिखाएंगे, और कटिंग करने का तरीका भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। देख सकते हैं ये हमारा एक ये जो है ये हमारा एक फ्रेम है, इसमें से हमको कटोरी निकालना है, वो आपको समझना है। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करके हम कटोरी निकालेंगे। देख सकते हैं इसके बाद इसका जो पॉइंट है, पॉइंट का हमको ज़रूरत होगा, तो पॉइंट है 10 इंच, तो 10 इंच में हम एक मार्क कर लेंगे। और इसका पॉइंट टू पॉइंट जो चौड़ाई है 7.5 इंच है, आप देख सकते हैं 7.5 इंच है, लेकिन इसके 7.5 इंच नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका साइड में इधर आएगा,
तो हम 3:30 में लगभग एक मार्क कर रहेंगे क्योंकि वो 7:30 तक आ जाएगा। देख सकते हैं ये पॉइंट का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसका जो ब्रेस्ट का जो लेंथ है वो निकालेंगे। देख सकते हैं आप कहीं वीडियो में देखा होगा, कहीं भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इधर से एक कोई करते हैं कि 1 इंच 1.5 इंच मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। मैं तरीका जो दिखाऊँगा वो परफेक्ट तरीका है। आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेस्ट लेंथ है 13.5 है, देख सकते हैं 13.5 है, 13.5 इधर तक आया। हमको इधर से 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच ऐसा नहीं मार्क करना है क्योंकि हमारा पास्ट जो मेजरमेंट है वो 13.5 है, तो 13.5 में एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके बाद ये जो है साइड पीस इसको हम साइड में करेंगे और देख सकते हैं इसका जो तरीका है वो आप अच्छा से देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छा से मालूम हो जाएगा। देख सकते हैं इसका 40 साइज़ है और सभी टाइम टक जो होता है ब्लाउज़ में वो उसका बॉडी का टेक्सचर का हिसाब से टक होता है, तभी आप अच्छा फिटिंग दे सकते हैं और उसका जो कप है वो भी अच्छा तरीके से फिटिंग में आएगा। देख सकते हैं इसका जो है 3 इंच हम टक डालेंगे, तो ये जो मार्किंग है इधर से हम 1.5 में मार्क करेंगे और इधर भी हमको 1.5 में एक मार्क कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके बाद इसको जॉइंट करेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट है इधर का जॉइंट। तो देख सकते हैं क्योंकि साइड पीस से जॉइंट होगा तो ये इसका लेंथ कितना है देख सकते हैं, लगभग 1.75 में है। तो हमको इसी तरह मैं शेप देकर आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं इसी तरह आप परफेक्ट आएगा। देख सकते हैं इधर भी मार्क कर लेंगे और इधर भी हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है हमने मार्क कर लिया, तो हमको इस मार्क से हमको इस मार्क तक एक मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अच्छा से दिखाऊंगा, आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा इसका जो है, तभी कप जब कटोरी ज्वाइंट करेंगे तो छोटा या बड़ा नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको अच्छा से देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। देख सकते हैं ये लगभग 5 इंच एक सूत है, तो हमको सेम तरीके से 5 इंच एक सूत में देना है। ये मार्क हमने कर लिया, तो इधर जो है 1.75 में है देख सकते हैं, तो हमको इधर से 1.75 तक ही मार्क करना है, तब जब हम ज्वाइंट करेंगे वो ज्वाइंट ठीक तरह से आएगा, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसको हम मार्क करके इसको हटाना है, इसका जो काम है अभी तक कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं हमने इधर मार्क कर लिया तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इधर से इसका जो पॉइंट जो टक होगा टक का मेजरमेंट करेंगे, देख सकते हैं इसको सीधा कर लेंगे और इसका जो पॉइंट है वो इधर है, थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमने आपको बताया कि इसका जो टक है वो 3 इंच डालेंगे, तो देख सकते हैं 1.5 इधर 1.5 इधर, क्योंकि हमने इधर ज़्यादा किया। तो उसके बाद ये जो है इस मार्क से हमको इधर मिलाना है और इस मार्क से हमको इधर तक मिलाना है, तो ये हमारा टक के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद इसका जो शेप होगा आप देख सकते हैं, स्केल को इसी तरह रख लीजिएगा और इसको ऐसे एक टक का मार्किंग कर लीजिएगा, तो जो कटोरी है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये पेपर में कटिंग करते हैं, देख सकते हैं इसका जो ऊपर होगा नेक का उधर 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, साइड में भी हम 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे और इसका जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड में हम 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे और नीचे में भी हम 1/2 इंच के बाद इसी तरह से हमको कटिंग कर लेना है। तो ये हो गया हमारा कटोरी, कटोरी का जो कट है वो हमारा हो गया। देख सकते हैं इसी तरह से एक परफेक्ट ब्लाउज कटिंग करते हैं, देख सकते हैं इसको जब हम कटिंग करेंगे इसमें मार्जिन देंगे तो इसमें मार्जिन रखेंगे और उसको अच्छी तरह से हम ज्वाइंट करेंगे तो उसको छोटा या बड़ा नहीं होगा। देख सकते हैं इसको मार्क से हमको मार्क मिलाना है तो अच्छा तरीके से आएगा, देख सकते इसमें 1/2 इंच मार्जिन है इसमें नहीं है, तो हमको कपड़ा में कटिंग करते समय इसको मार्जिन रखना है। तो देख सकते हैं इसी तरह से एक बहुत परफेक्ट कटोरी ब्लाउज कोई भी मेजरमेंट से कटिंग किया जाता है। आपको मैं आपको जिस तरह से दिखाया आपको, आई होप कि आपको समझते हैं। इसके बाद इसका जो बैकनेक है, बैकनेक का मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं इसका बैकनेक जो है 9 इंच डीप है तो 9 इंच में करेंगे और इसका बैक में भी थोड़ा सा राउंड नेक है तो उसी तरह से हमको मार्किंग करना है। देख सकते हैं इसका थोड़ा सा वाइड चाहिए, मैं आपको पहले से ही बोला था, तो 3.5, तो इधर भी 3.5 मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसका जो है इसको हम सीधा कर लेंगे और उसका राउंड नेक है तो हम इसको स्केल को यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है। तो देख सकते हैं इसका जो राउंड है वो परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो ये हमारा बैक और टाप है, उसका परफेक्ट तरीका मैं आपको दिखा दिया। इसके बाद इसका जो स्लीव होगा मैं स्लीव कट करके दिखाऊंगा, उसका मेगा स्लीव जैसा है शॉर्ट स्लीव है, तो शॉर्ट स्लीव आप जब कट कीजिएगा तो इसको इसी तरह थोड़ा सा एक शेप दे दीजिएगा,
ये सीधा नहीं मत कीजिएगा, देख सकते हैं सीधा किया तो ऐसा आएगा, सीधा करेंगे तो उसका जो फिटिंग आएगा इधर का जो राउंड आएगा वो अच्छा से नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़रूर इसी तरह से एक शेप दे लीजिएगा। उसके बाद इसका जो स्लीव का जो लेंथ है आप देख सकते हैं 4 इंच होगा, तो 4 इंच हमने कर लिया। उसके बाद इसका जो है स्केल जो है स्केल को यूज़ करेंगे लगभग यहाँ से यहाँ तक, लगभग 1.5-2 इंच तक हमको सीधा रखना है। उसके बाद इसका जो आम राउंड है, नहीं सॉरी 9.25 में आएगा, तो 9.25 में आ चुका है, इसको मेजरमेंट करेंगे और इसको राउंड भी कर देंगे। सॉरी इसका इसी तरह राउंड होगा, तो देख सकते हैं ये हमारा राउंड हो चुका है। इसके बाद इसका जो मोरी है 14 इंच है, तो 14 का जब हम हाफ करेंगे तो 7 इंच तक आएगा, देख सकते हैं 7 इंच। और उसके बाद इसको हमको ऐसे सीधा कर लेना है, और उसको कटिंग करते समय इसको भी सीधा करना है, क्योंकि ये सब जब साइड जॉइंट करेंगे तो उसका जो साइड का फिटिंग आएगा वो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देख सकते हैं 1/2 इंच के बाद साइड में इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और इधर जो है इधर भी हम एक चटका लगाएंगे। इनका आर्म राउंड का उधर रेडी हो चुका है। उसके बाद इसका जो फ्रंट में हम खारते हैं तो लगभग 1/2 इंच तक हम खार लेंगे, और उसके बाद इसका जो इस साइड है मैं कट करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं लगभग 1/2 इंच के बाद हमें ये एक शॉर्ट स्लिप कटिंग करने का ये भी एक परफेक्ट तरीका है। देख सकते हैं ये हमारा साइड भी रेडी हो चुका है, लेकिन इसको जब हम फ्रंट में कटिंग किया तो फ्रंट में हम कट नहीं लगाया, क्योंकि फ्रंट में हम खारते हैं तो फ्रंट में भी वो हम कट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रंट जो है फ्रंट पार्ट लगभग 1/2 इंच तक हमको ऐसे राउंड में खारना है, और उसके बाद इधर भी एक चटका लगाना है, क्योंकि ये स्टिचिंग करते समय बहुत आएगा। और 1/2 इंच जो होगा आप देख सकते हैं, इसको रख कर मैं दिखाऊंगा, लगभग इधर हमको थोड़ा सा काम करना है। तो उसके बाद इसका जो जॉइंट होगा, इसका जो फिटिंग होगा, इधर का जो स्टिचिंग करेंगे तो उसको पहनने के बाद कोई भी फोल्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख सकते हैं ये एक कटिंग का तरीका है, मैं आपको दिखाया, आप आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसी तरह कटिंग सीखने के लिए मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्रेंड्स के साथ, किसी को सीखना है तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सभी के साथ आप शेयर कीजिएगा, आप भी सीखिएगा और दूसरे को भी सिखाने का मौका दीजिएगा। ये मैं आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद हम जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया कुछ लेके आएंगे।